हाय, मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं मैक्सवेल के थर्ड वेव इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बेस्ड किस पर है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज अगर लाइन, अगर हम इसे स्टेटमेंट बताते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज पाथ, अगर कोई क्लोज पाथ अगर ले रहे हैं, उस क्लोज पाथ से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, नेट करंट, ये करंट इनवर्ड ऑर्डर्ड अगर मानते हैं कि टू लाइन है, अगर ये करंट ये आई वन है, आई टू है, आई थ्री है, कोई अपवर्ड कोई डाउनवर्ड है, कोई भी करंट अगर है, तो टोटल करंट जितना होगा, टोटल करंट जितना होगा, वो करंट किसके बराबर होगा? वो होगा एच डॉट डीएल के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेट करंट क्रॉसिंग द पाथ और इनक्लोज बाय द पाथ के बराबर होगा। और इसे मैथमेटिक हम लोग किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? लाइन इंटीग्रल एस डॉट डीएल इक्वल टू आई इनक्लोज। आई इनक्लोज क्या है? टोटल करंट इनक्लोज बाय द पाथ। ये आई इनक्लोज करंट को हम क्या लिख सकते हैं? आई इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डीएस के बराबर होगा। इक्वेशन वन और टू में अगर हम बात करें, इक्वेशन वन और टू में मेरा आई इनक्लोज दोनों बराबर है, तो इसे अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरा क्या इक्वेशन आ जाएगा? इक्वेशन वन टू से क्या आएगा? एच डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल एच डॉट डीएल इक्वल टू क्या आ जाएगा? जे डॉट डीएस आ जाएगा। इक्वेशन थ्री तक ये हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट है, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैक्सवेल ने क्या किया था कि मैथमेटिक्स के थ्योरम को इस इक्वेशन पर, इक्वेशन थ्री पर अप्लाई किया था, जिसे हम लोग मैक्सवेल वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। वो थ्योरम क्या था? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अगर निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा? उसी वेक्टर का जो कर्ल लेंगे उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। मगर अगर हम लेके चलते हैं कि एच मेरा अगर वेक्टर फील्ड है, तो लाइन इंटीग्रल एच डॉट डीएल किसके बराबर होगा? सरफेस इंटीग्रल कर्ल एच डॉट डीएस के बराबर होगा। इक्वेशन थ्री और फोर में अगर हम वेक्टर फील्ड एच यहां पर लेके चलते हैं, इक्वेशन थ्री में अगर एच दिया हुआ है तो इक्वेशन फोर में भी एच लेते हैं, तो इक्वेशन थ्री और फोर का LHS मेरा सेम आएगा, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि RHS सेम होगा। तो इक्वेशन थ्री और फोर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल कर्ल एच डॉट डीएस इक्वल टू किसके बराबर होगा? जे डॉट डीएस के बराबर होगा। ये भी क्या होगा? ये सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। हम इक्वेशन फाइव में अगर देखें, इसे इक्वेशन फाइव नाम दे रहे हैं, इक्वेशन फाइव में देखें कि दोनों तरफ सरफेस इंटीग्रल है और ये इक्वेशन LHS और RHS तभी सेटिस्फाई करेगा जब कर्ण एच बराबर क्या हो जाएगा? जे के बराबर होगा। क्यों? यहाँ पे इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल है, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है, डीएस डीएस है। इस इक्वेशन को दोनों को बराबर होने के लिए, LHS को RHS से इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण एच इक्वल टू जे होना पड़ेगा, कर्ण एच इक्वल टू जे होना पड़ेगा। इस इक्वेशन सिक्स को हम लोग मैक्सवेल वेव इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के नाम से भी जानते हैं और मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या कि मैक्सवेल का वेव इक्वेशन, फोर्थ वेव इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।